शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि अब तक बॉलीवुड हो या साउथ की फिल्में हो, उनमें सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में केजीएफ चैप्टर 2 ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। लेकिन शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान ने तो उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, क्योंकि उसने 3 दिन में 146.47 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन शाहरुख खान की पठान ने तो केवल 3 दिन में ही, वो भी वीकडे पर रिलीज होने के बावजूद, 163 करोड़ की कमाई कर ली है, वो भी केवल भारत में। और अगर वर्ल्ड वाइड अनुमान लगाया जाए तो यह 280-290 करोड़ कमा चुकी है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई और पहले दिन ही उसने 57 करोड़ रुपए की कमाई की। उसके बाद दूसरे दिन पठान मूवी को लोगों ने देखा तो उसका क्रेज इतना बढ़ गया कि दूसरे दिन उस फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा ही कमाई कर ली, और तीसरे दिन वह फिल्म एकदम से धड़ाम से गिर गई और केवल 36 करोड़ ही कमाई कर पाई। लेकिन उसके बावजूद भी 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, और जिसके बलबूते पर 163 करोड़ से ज्यादा ही कमाई शाहरुख खान की फिल्म पठान कर चुकी है। लेकिन अब आज का दिन और कल का दिन मुख्य भूमिका में रहेंगे, क्योंकि इन दिनों छुट्टी होती है और वीकेंड पर कोई भी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करती है। अब देखना यह होगा कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान इन 2 दिनों में कितनी कमाई कर पाती है, क्योंकि वह फिल्म 163 करोड़ पहले ही कमा चुकी है, और अब यह 2 दिन छुट्टी के मिल गए हैं तो दर्शक और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अनुमान लगाया जा रहा कि इन 2 दिनों में ही वह फिल्म 250 या 300 करोड़ के बीच में पहुंच जाएगी। अब देखना होगा कि क्या शाहरुख खान की फिल्म इन 2 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी, यह सबसे अहम बात होगी। और वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड में तो आराम से 400-500 करोड़ तो कमा ही लेगी। आपको बता दें कि शाहरुख खान की यह वही फिल्म है जिसने बहुत विवाद खड़े किए थे, क्योंकि इसका सॉन्ग रिलीज होता बेशर्म रंग, जिसको लेकर भगवा बिकनी पर काफी विवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसके विरोध में उतरते हैं। लेकिन अब उसके बावजूद यह फिल्म इतनी अच्छी कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। वहीं आपको बता दें कि अब वीकेंड पर शाहरुख खान और शाहरुख खान के फैंस यह उम्मीद कर रहे हैं कि वीकेंड पर आराम से यह फिल्म 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। लेकिन यह तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शायद इतना तो नहीं लेकिन शायद 300 करोड़ का आंकड़ा आराम से छू लेगी। आपको बता दें कि शाहरुख खान की इस फिल्म के बाद शाहरुख खान और बॉलीवुड के लिए कुछ अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में आई वो ज्यादातर फ्लॉप ही हुई है, और साउथ की फिल्में, वो चाहे RRR हो, KGF हो, KGF 2 हो, ऐसी ऐसी फिल्में चली है। और आपको बता दें कि बॉलीवुड की सारी फिल्में फ्लॉप हुई है, वो चाहे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो, या अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान, या फिर अजय देवगन की दृश्यम 2, अक्षय कुमार की राम सेतु, जितनी भी फिल्में आई लगभग सभी फ्लॉप रही है। लेकिन अब शाहरुख खान ने भले ही 4-5 साल बाद अपनी मूवी निकाली है, लेकिन इस मूवी ने धमाल मचा दिया है और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।